पुराण सर्वश्रेष्ठ महापुराण है। रामचरितमानस मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है, साथ ही भागवत कथा मृत्यु की भय को टालती है। उक्त बातें प्रयागराज के माघ मेले पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के छठे दिन वृंदावन के संत बाल व्यास कथा व्याचक कृष्ण नंद जी महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि मनुष्य को तीन बातें करनी चाहिए, जिसमें मुझे जाना है या कंफर्म टिकट लेकर आए हैं, जाने की तैयारी करनी है। हम सफर करते हैं तो कितनी तैयारी करते हैं। देने देने का नाम प्रेम है और लेने लेने का नाम स्वार्थ है। परमधाम की यात्रा अंतिम यात्रा है। ब्रह्मा जीव का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं व शिव संहार करते हैं। भागवत कथा जीवन जीने की कला सिखाती है। कथा श्रवण से सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। भगवान कृष्ण ने लीलाओं के माध्यम से आदर्श को स्थापित किया, जो आज के दिन की भी प्रति प्रासंगिक है। कथावाचक बाल व्यास श्री कृष्णानंद महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलियुग भागवत कथा का श्रवण मात्र से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। साथ ही कर्मों को सबसे बड़े धर्म की संज्ञा दी गई है। भगवान शंकर ने कर्मफलदायक को संरक्षित कर रखा है, जो न्यायप्रिय रहकर मनुष्य के कर्मों का फल देते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें सोचने एवं समझने की चेतना होती है। इस जीवन में अच्छे कर्म कर प्राणी हमेशा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्ति पाकर परमधाम को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को चाहिए कि मानव धर्म की रक्षा करते हुए सच्चे मार्ग पर चले व काम क्रोध लोभ मोह को त्याग कर ईश्वर की ओर ध्यान दे। बाल महाराज पांचवी क्लास में पढ़ाई करते हैं। महाराज की उम्र 10 वर्ष है। इस छोटी सी उम्र में महाराज ने कई भागवत कथा किया है। खबर जगत प्रयागराज से ब्यूरो प्रयागराज की रिपोर्ट। पाँच साल से इधर। 6 मार्च 2014 में मेरी पहली कथा थी। तब से लेके अब तक 146 की कथा मैं करके आई हूँ। परसों खलीराबाद में थी। और ये आपके साथ जो है, साथ में ये कौन है? ये मेरा भाई है। तो ये भी इसका नाम कृष्णानंद शुक्ल है। और अभी सितंबर में 5 सितंबर 2019 में इसकी पहली कथा हुई श्री राम वृंदावन में। अभी ये सेकेंड कथा इलाहाबाद। भागवत कथा में आने का रुचि आप लोगों का? बस ये है कि हम लोगों का गुरु परंपरागत ये व्यवस्था है। जैसे मेरे पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी ऐसा करते थे। बस विशेष तौर पे अगर हम दोनों में से एक भी आते तो भी ठीक है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता। लेकिन दोनों का आने का मीन्स ये है कि बस सनातन धर्म कहीं ना कहीं जो लुप्त हो रहा है। आज कोई बच्चा अगर बाबा जी बनता है तो लोगों को बहुत अजीब लगता है। लोग माता पिता की यही धारणा होती है कि मेरा बच्चा चोर बन जाए, ऐसा बन जाए, वैसा बन जाए, लेकिन वो बाबा ना बने। क्योंकि कहीं ना कहीं वो वेश को लोग लुप्त कर रहे हैं। उसको जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हम इसको आप धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा विचार है आपका। आप इसके साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हैं? हाँ, अभी मैं शास्त्री प्रथम वर्ष में गोरखपुर से कर रही हूँ। कृष्ण जी कहाँ से कर रहे हैं? ये अभी 5th में है, वो भी गोरखपुर से। थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप भागवत कथा कब से सुना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कैसा लगता है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सब कोई मेरी कथा श्रवण करता है, वो अपने ऊपर उस कथा का प्रभाव डालता है और सत्य सनातन धर्म को और भी ज्यादा प्रचार प्रसार करता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है।